हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीरू कौशिक नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक के बारे में बताया था। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में हमने देखा था कि दो प्रकार के घटक, जैविक और अजैविक घटक उपस्थित होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक व उपभोक्ता आते हैं। उत्पादक यानी हरे पौधे सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में उसे परिवर्तित कर देते हैं और यह रासायनिक ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में पौधों में संग्रहित होती रहती है और फिर इन हरे पौधों को शाकाहारी जीवों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, जिन्हें कि हम उपभोक्ता कहते हैं। शाकाहारी जीवों को बाद में द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। इस प्रकार एक क्रम है, एक श्रृंखला है जो निरंतर चलती रहती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल व पारिस्थितिकी तंत्र में इसका क्या महत्व है। खाद्य श्रृंखला में हम देखें तो हम अक्सर सुनते हैं जीव जीवस्य भोजनम, यानी जीव ही जीव का भोजन होता है, और खाद्य श्रृंखला हमें इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है कि किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है या एक जीव से दूसरा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हुए अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है और इस पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में अपना योगदान देता है। तो सबसे पहले देखते हैं खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला हमें ये बताती है कि प्रत्येक जीवित चीज़ को अपना भोजन कैसे मिलता है, यानी कोई भी जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है या वो खुद कब किसका भोजन बन जाए, ये भी हमें खाद्य श्रृंखला के द्वारा पता चलता है। जैसे कि कुछ जानवर है जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, वो पेड़ पौधे खाते हैं और फिर उन शाकाहारी जीवों को अन्य मांसाहारी जीव अपना भोजन बना लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो एक साधारण सी खाद्य श्रृंखला में पेड़ पौधे, घास, जो हरी झाड़ियाँ हैं, ये सब शाकाहारी जीवों के द्वारा खाई जाती है, जैसे कि बकरी है, हिरण है, जिराफ है, और बाद में ये शाकाहारी जीव मांसाहारी जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं, जैसे कि शेर है, लोमड़ी है, वो इनका शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला में प्रत्येक लिंक अगले लिंक के लिए भोजन का कार्य करता है, यानी जो खुद अभी किसी भी चीज़ को खा रहा है, किसी को भी अपने भोजन के रूप में ले रहा है, कुछ समय पश्चात वह भी किसी का भोजन बन जाता है या किसी और जीव के द्वारा उसको अपना भोजन बना लिया जाता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप है, वह सूर्य की प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं, और इन पौधों को फिर शाकाहारी और शाकाहारी को बाद में प्राथमिक और द्वितीयक मांसाहारी अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार जो खाद्य श्रृंखला है उसका जीवित हिस्सा हमेशा पौधों के जीवन से शुरू होता है और एक जानवर के साथ समाप्त होता है, यानी जो उच्च उपभोक्ता है वो उसके पर जाकर ये समाप्त होती है। तो ऊर्जा उत्पादन और खपत के क्षेत्र में खाने और खाए जाने, इस चीज़ को समझिए, खाने और खाए जाने मीन्स जिसने पहले किसी और को खाया है वह बाद में किसी और के द्वारा खाया जाता है। तो खाए और खाए जाने के कई चरणों के एक निश्चित पैटर्न के परिणाम को ही हम खाद्य श्रृंखला के रूप में जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की भोजन से संबंधित श्रृंखला, जिसके एक सिरे पर उत्पादक और दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, भोजन या खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव आपस में खाद्य व्यवहार के आधार पर एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में रहने वाले बड़े जीवों द्वारा खाए जाने की एक क्रमबद्ध श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि घास है, घास को हिरण ने खाया और हिरण को बाद में शेर ने खा लिया। तो इस प्रकार जो उत्पादक हैं हरे पौधे या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वह अपना भोजन खुद बनाते हैं और बाद में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता हर्बीवोरस और जो कार्निवोरस है वह उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। एक खाद्य श्रृंखला की परिभाषा को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादक से उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी उत्पादक जो कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना रहे हैं और फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थ या ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। हमें पता है कि
भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो जिसका भोजन बनता जा रहा है वह उस भोजन से अपना ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण क्रमबद्ध रूप से होता रहता है, जिसे कि हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे जैसे मक्का है, जिसे कि हम उत्पादक के रूप में देख सकते हैं, बाद में उसे लोकस्ट प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसको लिजार्ड छिपकली ने खाया द्वितीयक उपभोक्ता, और बाद में छिपकली को स्नेक ने खा लिया जो कि तृतीयक उपभोक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये क्रमबद्ध श्रृंखला है खाए और खाए जाने की, जिसे कि हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अ फूड चेन शोज दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। अ फूड चेन is a simple linear series of step while a food web is more complex। यानी कि एक food chain है वो simple हो सकती है, एक linear हो सकती है, लेकिन जब हम बात करेंगे खाद्य जाल की, जो कि हम इस video में आगे देखेंगे, तो वो खाद्य श्रृंखला से काफ़ी हद तक बहुत ही जटिल होता है। ये खाद्य श्रृंखला के कुछ डायग्राम यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे मक्का है, अगर जिसमें सिर्फ तीन लिंक बताए गए हैं फूड चेन के, तो मक्का, मक्का को रैट ने खाया, चूहे ने, और उसको फिर उल्लू ने खा लिया। दूसरे में चार जो स्ट्रैप्स हैं, चार लिंक बताए गए हैं, गाजर है, गाजर को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स, और फॉक्स को लॉयन ने खा लिया। और लास्ट है पाँच जिसमें लिंक हैं, घास है, घास को ग्रास ऑफर ने खाया, उसको फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नैक या पाइथन, और उसको ईगल ने खा लिया। तो हम ये देखते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो खाद्य श्रृंखला है उसमें अधिकतम पाँच या छः पोषक स्तर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण में कमी आती जाती है, यानी ऊर्जा की जो मात्रा है वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में अधिकतम पाँच या छः पोषक स्तर ही पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला की कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट, पौधे एकमात्र जीव हैं जो अपने स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, यानी पौधे हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम में एक उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। सेकंड, जानवरों द्वारा विभिन्न प्रकार के भोजन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक श्रृंखला में कई तरह की शाखाएँ होती हैं और प्रत्येक शाखा खाद्य श्रृंखला को एक बहुत ही जटिल उपस्थिति देकर विभाजित और उपविभाजित करती है, यानी किसी भी एक उत्पादक है उसको विभिन्न प्रकार के जीव अपना भोजन बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला में लिंक की संख्या आमतौर पर तीन और कभी कभी पाँच या उससे अधिक हो सकती है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि उसका कारण भी बताया कि जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं, हम पाते हैं कि धीरे धीरे जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो कम होता चला जाता है और शिकारियों का आकार भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और अंत में एक स्टेज ऐसी आती है जब शिकारी का या कार्निवोरस जो मांसाहारी है, उच्च उपभोक्ता है, उसका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसका शिकार आगे संभव नहीं हो पाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में शिकारी का आकार बड़ा होता जाता है और संख्या कम होती चली जाती है। खाद्य श्रृंखला के घटक विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों पर कब्जा करते हैं, यानी पहले बताया था कि पोषक स्तर, ट्रॉपिक स्तर मतलब पोषक स्तर, पोषक स्तर का मतलब है जिसको जो अपना पोषण, जिसको पोषण मिल रहा है और जो अपने आगे के लिए पोषण प्राप्त कर रहा है। तो जैसे इसमें उत्पादक जो होते हैं पादप, वो प्राथमिक पोषक स्तर यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के रूप में कार्य करते हैं, फिर जो शाकाहारी है वो द्वितीयक पोषक स्तर के रूप में, फिर इसी प्रकार आगे जो मांसाहारी है वो तृतीयक पोषक स्तर, इस प्रकार से आगे पोषक स्तर बढ़ते चले जाते हैं। जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होती है उतनी ही अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। क्यों? क्योंकि जो अगर छोटी खाद्य श्रृंखला होगी तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम होगा, उसके बाद ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हीट के रूप में ऊर्जा नष्ट होती चली जाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल घास की बात करें तो घास की खाद्य श्रृंखला में जैसे पौधे हैं, उनको रोडेंट्स, फिर सांप, और उसको बाद में बाज ने खा लिया। इसी प्रकार पौधे हैं उसे बकरी, भेड़ या गाय, और बाद में इनको आदमी या किसी लोमड़ी ने इनको खा लिया। खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार की बात करें तो प्रकृति में सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, एक तो चारण यानी ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी है डेट्राइटस अपरद खाद्य श्रृंखला।
पहली है चारण खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला सजीव यानी हरे पौधों से प्रारंभ होकर शाकाहारी और फिर मांसाहारी तक जाती है। मतलब चारण में अगर हम बात करें ग्रेजिंग फूड चेन में, तो जो हम अभी नॉर्मल जिस फूड चेन की बात करते आ रहे हैं कि उत्पादक यानी पौधे, पौधों को बाद में शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी को मांसाहारी और द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता के रूप में उन्हें बाद में भोजन के रूप में लिया गया, तो ये एक जो सिंपल चेन है, जो सिंपल फूड चेन है, वो ग्रेजिंग फूड चेन कहलाती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला वाले पारिस्थितिकी तंत्र सौर ऊर्जा से यानी सूर्य के प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन पादपों के द्वारा बनाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। प्रकृति में अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र में इसी प्रकार की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता और फिर द्वितीयक उपभोक्ता रहते हैं। इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला हरे पादप या उत्पादकों से प्रारंभ होकर छोटे शाकाहारी जीवों से बड़े मांसाहारी जीवों तक पहुंचती है या ऊर्जा का उसमें स्थानांतरण होता है। फॉर एग्जांपल घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक और मेंढक को सांप और मोर, उसे मोर ने खा लिया। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। दूसरी है डेट्राइटस या अपरद खाद्य श्रृंखला। ये मृत कार्बनिक तत्वों पर आधारित सूक्ष्म जीवों की खाद्य श्रृंखला को हम अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यह श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर होती है। इस श्रृंखला का आरंभ जो है वो अपघटित जीवित पदार्थ होते हैं। ये अपरद पहले अपघटनकारी जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ आदि है भोजन बनाते हैं, फिर इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। इन जीवों को इसी कारण अपरद पोषी भी कहा जाता है। फिर इनका शिकार जो कीट है, लार्वा है, वो करते हैं, फिर उन्हें बाद में आगे अन्य जीवों के द्वारा खा लिया जाता है। जैसे कि मृत जंतु है, उसे उसके अंदर या पादप के अवशेष है, उनको हम डेट्राइटस या अपरद कहते हैं। उन्हें केंचुए के द्वारा खाया जाता है, फिर केंचुए को मेंढक, मेंढक को सांप और मोर के द्वारा खा लिया जाता है। तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से आगे बढ़ते हुए, ये छोटे उपभोक्ताओं से होते हुए आगे बड़े उपभोक्ता तक जाती है। ये ग्रेजिंग फूड चेन का एक उदाहरण है, जिसमें कि उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता चूहा, द्वितीयक उपभोक्ता स्नेक और फिर तृतीयक उपभोक्ता के रूप में बाज दिखाया गया है। ये डेट्राइटस फूड चेन है, जिसमें कि जो मृत, जो डेड लीव्स हैं, उनको वुड लॉस ने खा लिया और वुड लॉस को बाद में ब्लैकबर्ड खा गया। तो इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला प्रकृति में चलती रहती है। नेक्स्ट है खाद्य जाल। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न आहार श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम या पोषक स्तर से जुड़कर एक अत्यंत जटिल जाल का निर्माण करती है, जिसे कि खाद्य जाल कहते हैं। इसका कारण यह है कि एक ही प्राणी कई प्रकार के प्राणियों को अपना भोजन बना सकता है, यानी विभिन्न प्रकार के विकल्प पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणियों के पास होते हैं कि यदि एक जीव अगर भोजन के रूप में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो किसी अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड वेब है, खाद्य जाल, जितना जटिल होगा और विशाल होगा, उतना ही वह पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर और संतुलित माना जाता है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता के लिए कई प्रकार के जीव उपयोग के लिए उपलब्ध रहते हैं। यानी कोई जीव अगर किसी कारणवश नष्ट हो जाता है तो खाद्य जाल की स्थायित्व पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि खाद्य जाल में अनेक वैकल्पिक व्यवस्था यानी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होते हैं, जिससे उस जीव के स्थान की पूर्ति अन्य किसी जीव द्वारा हो जाती है और ऊर्जा का प्रवाह इन वैकल्पिक परिपथ में होने लगता है। इस प्रकार की व्यवस्था खाद्य श्रृंखलाओं में नहीं होती है, किंतु खाद्य जाल में जीवों के विभिन्न प्रकार के विकल्प उपस्थित होने के कारण जीव एक जीव की अनुपस्थिति में दूसरे जीव को अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार से एक समुदाय में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जुड़कर एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। खाद्य जाल में भी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय ही होता है, किंतु इसमें अनेक विकल्पीय परिपथ होते हैं। ये खाद्य जाल के एक डायग्राम को यहाँ दिखाया गया है, जिसमें घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों को टिड्डों या चूहों या किसी अन्य जीव के द्वारा खाया जा रहा है, जो कि शाकाहारी जीव हैं। ये खरगोश, गाय, बकरी, अन्य और भी जीव हैं जो शाकाहारी होते हैं और जो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार फिर जब टिड्डे हैं, टिड्डे को फ्रॉग ने खा लिया और फ्रॉग को बाद में स्नैक ने खा लिया। इसी प्रकार कोई भी पौधा है, फूल है, उसे बटरफ्लाई को फिर फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नैक खा गया, या जो शाकाहारी पादप है उसको ग्रास ओपर को रैट ने, रैट को स्नैक ने खा लिया,
या कोई भी अन्य प्रकार के प्लांट हैं जिन्हें कि ड्रैगन फ्लाई बाद में ड्रैगन फ्लाई को चिड़िया ने खा लिया, चिड़िया को कोई बाज खा गया, इस प्रकार से ये एक खाद्य जाल यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें कि अनेक विकल्प उपस्थित हैं जीवों के पास कि अगर एक जीव उनके पास अनुपस्थित है तो किसी अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, किसी अन्य जीव से भोजन के रूप में अपनी प्राप्ति कर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। फूड चेन और फूड वेब, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फूड चेन में एक सिंगल पाथ जो है एनर्जी का हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसे प्लांट है प्लांट को हर्बीवोरस बाद में उसको अन्य प्रकार के जो मांसाहारी कार्निवोरस उनके द्वारा खाया गया है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय हो रहा है। जबकि फूड वेब है, फूड वेब के अंदर विभिन्न प्रकार के पॉसिबल एनर्जी पाथ्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल के विभिन्न वैकल्पिक मार्ग खुल जाते हैं और इन वैकल्पिक मार्ग के द्वारा इकोसिस्टम में जो जीव है वो इन विकल्प के द्वारा अपना भोजन बनाता चला जाता है। तो एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र सभी प्रकार के जीवधारियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अगर हम उदाहरण के द्वारा इसको समझना चाहें तो हम देखेंगे कि किसी एक स्थान पर, इसको इस प्रकार से आप समझिएगा कि यदि किसी एक स्थान पर खरगोश की संख्या कम हो जाती है तो खरगोश पर जो जीव निर्भर रहते हैं वो उनके भी ख़त्म होने की आशंका बढ़ जाती है। तो जहाँ पर खरगोश की संख्या कम होने से घास की मात्रा उस स्थान पर बढ़ जाएगी क्योंकि खरगोश किसको अपना भोजन किसको ले रहे थे, किस रूप में ले रहे थे, घास के रूप में, तो अन्य जीव वहाँ पर उस वक्त घास खाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, अन्य जीवों के द्वारा उन उस स्थान को अपना भोजन बना लिया जाता है, उस स्थान से अपना भोजन ले लिया जाता है। तो इस प्रकार किसी भी जीव की संख्या में कमी होने पर विभिन्न प्रकार के विकल्पों के द्वारा अपने भोजन की आपूर्ति खाद्य जाल के माध्यम से विभिन्न जीव करते हैं। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ उपस्थित होती हैं और ये खाद्य श्रृंखला ही आगे जाकर विभिन्न प्रकार के जैव विविधता को संरक्षित रखने में सहायता करती हैं। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर को बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आप देखिए खाद्य जो श्रृंखला है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय तथा एक ही मार्ग से होता है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकल्प उपस्थित नहीं होता है। जबकि खाद्य जाल में भी याद रखिएगा कि ऊर्जा का प्रवाह तो हमेशा ही इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह एक जाल के रूप में होता है क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि खाद्य जाल में प्रत्येक पोषक स्तर पर विभिन्न प्रकार के विकल्पी जीव मौजूद होते हैं, यानी एक जीव एक के अलावा अन्य किसी जीव के द्वारा भी भोजन प्राप्त कर लिया जाता है या अन्य जीव से भी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। हालांकि यहाँ पर भी ऊर्जा एक ही दिशा में रहती है लेकिन जीवों के विभिन्न विकल्प हर पोषक स्तर पर उपस्थित होते हैं। दूसरा है खाद्य श्रृंखला एक सरल प्रकार की संरचना होती है जिसमें कि खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है और प्रत्येक पोषक स्तर पर एक ही जीव की जाति उपस्थित होती है। जबकि खाद्य जाल एक जटिल संरचना होती है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाएँ मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं। जीवों की संख्या के आधार पर खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है जबकि खाद्य जाल के अंदर जीवों की संख्या अधिक होती है क्योंकि हर पोषक स्तर पर विभिन्न प्रकार के जीवों के अनेक विकल्प उपस्थित होते हैं। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का महत्व, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण चक्र तथा ऊर्जा प्रवाह के में मूल भूमिका निभाते हैं। हमने पहले भी देखा कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यानी एक जीव दूसरे जीव के लिए पोषण का कार्य करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ये खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला ऊर्जा स्थानांतरण और पोषक तत्वों में एक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है या पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न महत्व है। फर्स्ट है खाद्य श्रृंखला रासायनिक पदार्थों को प्रत्येक स्तर पर पहुंचाने में सहायक है। सेकंड, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः हर अगले स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में संचय किया जाता है जिसे कि हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला में ये होता है कि कुछ पदार्थ हैं जो कि खाद्य के रूप में जीवों के अंदर संचित किए जाते हैं अधिक मात्रा में।
खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह में सहायक है। खाद्य श्रृंखला के द्वारा ही ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में होता है। खाद्य जाल अधिक प्रजनन वाले जीवों की जनसंख्या पर रोक लगाने यानी उन्हें कंट्रोल करने में सहायता करता है। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में भी सहायक है। खाद्य जाल के माध्यम से विभिन्न वैकल्पिक मार्ग मिलते हैं यानी खाने के लिए जो अधिकाधिक खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न प्रकार के विकल्प जब उपलब्ध हो जाते हैं तो वो खाद्य जाल का निर्माण कर लेते हैं और खाद्य जाल ही पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। खाद्य जाल जैव विविधता को भी संरक्षित रखता है, साथ ही साथ ये प्रदूषण के नियंत्रण में भी इनडायरेक्ट रूप से यानी अपरोक्ष रूप से खाद्य जाल प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी सहायता करता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक महत्व होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।